Hotter. Hottest. नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो प्यार और नफरत की एक ऐसी कहानी है जो जितनी सुलझती है उतना ही इंसानियत का उलझा हुआ रूप सामने आता है। चेकिंग कर लेते हैं, अगर कोई सामान चोरी हुआ हो तो पुलिस को बताना पड़ेगा ना। सामान तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, पर कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे। चल थाने चलते हैं। अरे मयूरी जाने देना यार, जब कोई चोरी ना तो क्यों पुलिस के मगजमारी में पड़ना है। वैसे भी कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। पर ये खून किसका है, यहाँ पे कैसे आया? सर पे बुरी तरह से मारा है, कई बार मारा है। अरे ऐसा पड़ देगा? एक मिनट सर, कुछ तो है। सर ये वॉलेट मिला। सूरज सावंत के एरिया को स्कैन करो और इसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है सर। रात भर बाहर था तू? कहाँ गया था? तुला काय करायचं आहे? मैं मेरा देख लूंगा। और ये हाथ में चोट कैसे लगी? क्या हो गया? ये देख मेरा हाथ, मेरी चोट, जा तू अपना काम कर। आपके पति सूरज, इनकी किसी के साथ दुश्मनी? नहीं सर, 4 साल हो गए हमारी शादी को, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आखिरी बार कब मिले? कल सुबह ऑफिस जाते वक्त बाद में उनका फोन आया था कि रात में लेट हो जाएगा। हेलो, हो गए काम से फ्री? हाँ बस अभी निकला हूँ। अच्छा सुनो, रात को थोड़ा लेट आऊंगा, दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। कहाँ? कमल के यहाँ? हाँ कमल के पास। अच्छा ठीक है, रात को टाइम से खाना खा लेना वरना आपको एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है। ये कमल आपके पति सूरज के दोस्त है? जी सर। और कल रात सूरज वापस नहीं आएगा, आपने उन्हें फोन नहीं किया? मैंने उन्हें फोन किया था सर,
लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में मैंने कमल को फोन किया तो उसने नींद में फोन उठाया। मुझे लगा कि रात में सूरज वहीं पे रुक गए होंगे। दादा शराब पी लेते तो गाड़ी चलाना ठीक नहीं है ना? हाँ सर, सूरज कल शाम को घर आया था, काफी परेशान था। ओ बाबूजी, सुमति हो, अबे कहाँ खोया हुआ है? चल आजा, पी। अरे पी ना, ये ले। नहीं यार, अभी नहीं। अब अगला पैक होगा जश्न का, सेलिब्रेशन का, या तो आर या पार। सर प्लान तो देर रात तक पीने का था हमारा। सूरज ने कहा उसे कहीं जाना है, जरूरी काम है, और वो चले गए। कहाँ जाना है कुछ बता कर गया? नहीं सर, कुछ बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। वो तुम्हारा अच्छा दोस्त था ना, तो किस चीज के बारे में वो आर पार करने की बात कर रहा था? सर मेरे खबर न थी, मुझे कुछ बताया ही नहीं उसने। कमाल है, सूरज तुम्हारा अच्छा दोस्त था, तुम उठते बैठते थे, खाते पीते थे, फिर भी तुम्हें पता नहीं। अक्सर आदमी अनजान आदमियों के सामने भी पीकर बोल देते हैं। वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त था। सर अगर कुछ पता होता तो मैं खुद बता देता ना आपको। हाँ सर, ये सूरज अपने ऑफिस से निकलकर कमल के घर गया, ये बात उसने अपनी बीवी नेहा को बताई थी, लेकिन कमल के घर से निकलने के बाद वो कहाँ गया ये बात किसी को पता नहीं चली। सर इसका मतलब एक कमल हमसे कुछ छुपा रहा है। एक काम करो सिरके, ये सूरज के कॉल लोकेशन और डिटेल्स निकालो, जरूर कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। ठीक है सर। कितने लाइक्स आएंगे, जल्दी पोस्ट करो, अभी के अभी पोस्ट करें, पोस्ट। सर ये सूरज सर ये सूरज की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, स्कल फ्रैक्चर की वजह से उसकी मौत हुई है। सर वो तो निशान देख के पता चल रहा था। इसकी कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ? ये रहा सर, सूरज के कॉल रिकॉर्ड से उसकी मौत के पहले वो कोथरूड में था। कोथरूड में क्या कर रहा था? सर इसका जवाब उसकी बीवी नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स में। मैंने नेहा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे सर, नेहा किसी दीपक नाम के लड़के से कॉन्टेक्ट में थी, दोनों की देर रात तक काफी बातें हुआ करती। अब सर जब दीपक की लोकेशन चेक की तो दीपक का घर भी कोथरूड में। सूरज ने अपनी बीवी से कहा था कि वो दोस्त के घर से देर रात वापस आएगा, लेकिन असल में वो दोस्त के घर से जल्दी निकला और वो वहां जा पहुंचा जहां उसकी बीवी का खास दोस्त रहता है, मतलब कोथरू। एक काम करो शिरके, ये नेहा के बारे में आड़ोस पड़ोस में पूछताछ करो। ठीक है सर।
दिया था मुझे। ये मुंह क्यों फुला के रखा हुआ है? ये क्या है? तूने इस माले के साथ वीडियो क्यों बनाई? अरे यार, बहुत फोर्स कर रही थी, मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं मना नहीं कर पाई उसको। अच्छा वो छोड़, तूने हमारी वीडियो देखी? हमारी वीडियो वायरल हो गई है। मयूरी, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, बात मत पलट तू। अरे टिकटॉक हमारी प्रोफाइल, हमारा काम है, हमारा पैशन है, हम दोनों एक टीम है, मतलब एक साथ तू और मैं, तो ऐसे किसी दूसरे के साथ वीडियो नहीं बना सकती है। अच्छा माता, बस कर, स्माइल कर दे। नहीं 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 करेगी तू स्माइल? नहीं, पक्का नहीं। अभी नहीं 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 नहीं। देखेंगे कितना मजा आता है। इतना हक तो बनता ही है मेरा तेरे साथ। मैं भी तेरी पत्नी हूँ, कोई चकले वाली नहीं हूँ। बहुत बोलती है सभी। क्या कर रहा है तू? छोड़ मेरे को। तू दिखाता हूँ मैं आज क्या करता हूँ। यस सर। सर ओके सर। जैन सर, मैंने सूरज के पड़ोसियों से बात की। सबका कहना है कि सूरज के घर से जाने के बाद दीपक अक्सर सूरज के घर आया करता था। यह बात पूरे मोहल्ले को पता थी, किसी ने यह बात सूरज को भी बता दी। इस बात को लेकर सूरज और नेहा के बीच में काफी झगड़ा हुआ था सर। नेहा हाथ हो गई अब। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे बर्दाश्त करता रहूंगा? ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बाहर वालों ने कुछ बोल दिया और तुम आ गए मुझसे लड़ने के लिए। मेरा दीपक के साथ कोई रिश्ता नहीं है। चुप! बिना आप दुआ नहीं उठता है, पूरा मोहल्ला बात कर रहा है तुम्हारे बारे में। अच्छा, आज तक मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम चाहे जो सोचो, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, समझे तुम? तो फिर झगड़े के बाद दीपक का सूरज के घर आना भी बंद हुआ होगा। सर दीपक का सूरज के घर आना जाना बंद हो गया, लेकिन सर नेहा का दीपक के घर जाना शुरू हो गया। कुछ दिनों पहले नेहा प्रेग्नेंट हो गई थी सर, उसने अबॉर्शन भी करवा लिया। सर हो सकता है कि ये बच्चा दीपक का हो, और इस बात का सूरज को शक हो। अगर सूरज डीएनए टेस्ट करवा लेता तो यू आर राइट, ये बच्चा दीपक का ही हो सकता है, और ये बात सूरज को पता चली, इसलिए सूरज दीपक के साथ कन्फ्रंट करने गया। राइट सर, और सूरज के फोन लोकेशन के हिसाब से जिस दिन सूरज का मर्डर हुआ, सूरज के फोन की लोकेशन दीपक के एरिया के आसपास, उसको धमकाने गया होगा। हो सकता है सर। नेहा आ गई? नहीं सर, नेहा का फोन बंद है, ये दीपक का फोन भी बंद है। नेहा के घर जाओ। ठीक है सर। बोला शिरकी साहब। लगता है भाग गए दोनों, घर में ताला लगा है सर। कि दोनों का मोबाइल ट्रैक करो और जैसे मिलते ले आओ यहाँ। ठीक है सर। ये कैसा अजीब सा म्यूजिक है? अरे अजीब वीडियो भी तो वायरल होते हैं। ठीक है मेरी वायरल लेडी, चलो इसी गाने पे वीडियो बनाते हैं। पंडित जी, ये लड़की संस्कारी और सुशील लग रही है,
आप मेरे बेटे के लिए इससे बात चलाइए। बेटा ये देख, ये लड़की कैसी लग रही है, एक बार देख तो ले। सर आप आइए ना। सर ये हम लोग मेरे बेटे के लिए लड़की पसंद कर रहे हैं। और क्या बात है, बात करनी कीजिए सर। अब अंदर जाइए। ओके सॉरी सर, हम लोग अंदर चलते हैं। आई लड़की पसंद? नहीं सर, वो वैसे ही पापा बस मेरे। आप आइए ना अंदर सर, बैठिए। नहीं नहीं इधर ही खड़े रह के बात करती। वो सूरज की वाइफ नेहा 2 दिन से लापता है, पर हमारे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला है कि उसका किसी दीपक नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात तो सूरज को भी पता है, पूरे मोहल्ले को पता है। तुम तो उसके अच्छे दोस्त हो ना, तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, आई मीन यस सर। नहीं हाँ या ना? यस सर। सर सूरज ने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन उसने कहा कि उसे सिर्फ शक है, उससे ज्यादा तो उसे भी कुछ नहीं पता। कदे विचार ही ना होता किला कि लाइफ इतनी खराब हो जाएगी। अरे पर तू बताता क्यों नहीं कि हुआ क्या है? क्या बताऊं, मुझे लगता है कि नेहा का किसके साथ अफेयर है। शू? हाँ सच बोल रहा हूं मैं, जब मैंने उसके गले पर निशान देखे हैं, अरे लव बाइट के, कभी कभी लगता है कि मुस्कुरा। तू प्लीज प्लीज, तू क्या बोल रहा है, तुझे कुछ पता भी है? वो तेरी बीवी है, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उस दिन तुम पुलिस स्टेशन आए थे तो क्यों नहीं बताया? सर सूरज को सिर्फ शक था, और सिर्फ शक की वजह से मैं किसी औरत को ऐसे कैसे बदनाम करूं? बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा कुछ पता है नेहा कहाँ गई होगी, कोई आइडिया? सर नेहा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। एक मिनट सर, नेहा का फोन। नेहा जी कहाँ हैं आप? अपने घर पे। आप कौन? मुझे इस नंबर से काफी कॉल आए हैं। मैं PSI शिरके बात कर रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, जितना जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन आ जाइए, और हाँ अकेले मत आइएगा, अपने फ्रेंड दीपक के साथ आइए। वेलकम नेहा जी, तुम्हें क्या लगा अफेयर छुपा पाओगी पुलिस से? सर अक्सर अगर किसी औरत का मर्द दोस्त हो तो लोगों को यही लगता है कि उनका अफेयर है। देखो नेहा जी, या हम मॉरल पॉलिसिंग या स्त्री पुरुष संबंधों के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे, एक औरत अपने पति के पीठ पीछे होटल में एक दूसरे मर्द से मिलती है, इसको क्या कहेंगे आप? ये देखो होटल के बिल्स पिछले 6 महीनों के, ये क्या था, दोस्ती? हाँ सर हमारा अफेयर चल रहा है। और ये बात सूरज को पता चल गई, इसलिए दीपक ने उसे मार दिया। नहीं सर, सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। हमने सूरज को नहीं मारा, बल्कि मेरा और दीपक का अफेयर भी सूरज की ही गलती है। वाह, अगला का शिरके। हाँ आगे सुना। तमी खरा बोलते, मैंने दीपक से रिश्ता कुछ ऐसे ही नहीं कर लिया, सूरज ने मुझ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। और इन्होंने ज्यादा दिया। सब मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं इमोशनली भी, एक पत्नी को पति से उम्मीदें होती है, सूरज ने कभी ये समझा ही नहीं, पर यही वजह थी कि मैं दीपक के करीब आई, और उसके बाद मुझे सूरज के रूखेपन की वजह पता चली, दरअसल उसका भी अफेयर चल रहा था सर। अब वो रहा ही नहीं तो आप बोलेंगी, लेकिन हमने उसके कॉल डिटेल चेक किए, ऐसा कुछ नहीं था उसका, ना तो किसी लड़की का नंबर, ना तो किसी लड़की का नाम। पत्नी से ज्यादा पति को और कोई नहीं जानता, नंबर का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सूरज का किसी लड़की के साथ में अफेयर था। माँ ने कहा इसलिए मैंने शादी करी, जान तुम्हें तो पता है ना मैं उससे प्यार नहीं करता, अब बिना प्यार के पति पत्नी का कैसा रिश्ता, माला का समझत नहीं।
मुझे सिर्फ इतना सा पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। सर, मैं गरीब घर से हूँ, एक शादी करवाने में ही बाबा की कमर टूट जाती है, वापस जाती तो भी कैसे जाती। और फिर मैंने सोचा पति ना सही, दोस्त ही सही। और शुरुआत में सूरज भी मुझे बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन जैसे ही मेरी सासू का देहांत हो गया, सूरज ने मुझे फर्नीचर समझ लिया। मैं जिंदा हूँ या मर गई उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था। तभी मैं दीपक से मिली और दीपक के बच्चे की माँ बनने वाली थी, अबॉर्शन भी करवा लिया। ये बात सूरज को पता चली, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर सूरज को मार दिया। नहीं सर, हमने सूरज को नहीं मारा है। सर, सूरज को उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मारा है। वो हम पता कर लेंगे, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने क्या किया सब पता कर लेंगे और ढूंढेंगे हम। लेकिन उसको मारने का मोटिव तुम दोनों के पास ज्यादा है। हमारा यकीन कीजिए सर, हमने सूरज को नहीं मारा, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं उसे मारा है। मयूरी, तूने बोला था ना तू उस माला के साथ वीडियो नहीं बनाएगी, तूने प्रॉमिस किया था ना। अरे गीतू, एक वीडियो ही तो बनाई है, तू भी क्या छोटी छोटी बात पे रायता फैला लेती है। मयूरी, तू और मैं वीडियो बनाते हैं, गीतिका मयूरी की टीम है, तू उस माला के साथ वीडियो बनाएगी तो सबको लगेगा अपना टीम टूट गया है। भगवान, तू कितने लंबे का सोचती है। अच्छा चल, एक काम कर, दिमाग से टेंशन को निकाल, फटाफट यहाँ पे आ जा, हम दोनों साथ में एक वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल झक्कास वाली, ठीक है। कहते हैं कि गुस्सा और जलन इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। छोटी सी बात पर गुस्सा और बेकार में ही किसी से जलन ने लोगों से बड़े बड़े जुर्म करवाए हैं। एक तरफ सूरज की मौत की गुत्थी नहीं सुलझ रही थी, पर कहीं ना कहीं गुस्सा या जलन उसकी मौत का कारण बना था। वहीं दूसरी तरफ गीतिका भी जलन का शिकार हो रही थी, लेकिन क्या गीतिका की जलन इस हद तक थी कि वो अपनी दोस्त, अपनी पार्टनर मयूरी को यूं गोली मार दे, या फिर मयूरी किसी और के गुस्से का शिकार हुई थी। सर, हमने सूरज के कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा चेक किया है। सूरज कमल के अलावा ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। इनफैक्ट सर, उसके कॉल रिकॉर्ड में किसी लड़की का भी नंबर नहीं है। सर, मुझे नहीं लगता कि सूरज का किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह था। ये नेहा हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है सर। ये सूरज की बॉडी के पास हमें मोबाइल भी नहीं मिला था ना? नहीं सर। हो सकता है दूसरा नंबर यूज करता। एक मिनट सर। हेलो, कहाँ पर? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। सर, जंगल में एक डेड बॉडी मिली। सर, बॉडी अंदर है। सर, बॉडी तो बहुत बुरी तरह से जल चुकी है, चेहरा पहचान पाना भी मुश्किल है, और जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा है वो भी डिकम्पोज होने लगा है। मतलब सर, मर्डर हुए 4-5 दिन हो सकते हैं। मुझे लगता है इसको मारा कहीं और गया है और यहाँ लाके जलाया गया, ताकि इसको कुछ पहचान नहीं सके। सर, वो देखिए, हाथ में टैटू है और वो रिंग भी है। बड़े जरा रिंग देख, सीधा करो, सीधा करो। टैटू और रिंग की स्टाइल को देख के लगता है लड़की की लाश है, और हाथ को देख के लगता है 25-26 साल की होगी। एक काम करो, इस डिस्क्रिप्शन के टैटू की कहीं मिसिंग कंप्लेंट का चेक करो, और ये रिंग किस मर्चेंट से बनवाई है ट्रेस करो। ठीक है सर। और आसपास का एरिया चेक करो, कोई मर्डर वेपन मिलता है कि। सर, सर लड़की की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, पहले उसे गोली मारी गई और उसके बाद उसकी बॉडी को जलाया गया। गोली .32 कैलिबर की गन से फायर की गई थी सर। बैलिस्टिक से पता करो ये गन किसी के नाम रजिस्टर है या नहीं। ठीक है सर। लड़की की कुछ पहचान हुई? हाँ सर, 6 दिन पहले एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। ये जो टैटू बना है उसका डिस्क्रिप्शन से मैच होता है सर।
ये कंप्लेंट जिसने की है उसको बुलाओ। ठीक है सर। देखिए बॉडी तो बहुत पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, लेकिन उसके हाथ में एक टैटू था जो साफ बच गया था। पहचानते हैं आप इस टैटू को? और हमें ये अंगूठी भी मिली है। ये तो मयूरी की, मेरे दोस्त की है। हाँ सर, वो मेरी दोस्त मयूरी है। तुम तो उसकी दोस्त हो ना, उसकी फैमिली? सर वो अनाथ थी, हम टिकटॉक के जरिए मिले थे। जल्दी पोस्ट कर, ये देखना ये वीडियो पूरे टिकटॉक पर हिला दे, कितने लाइक्स आएंगे, जल्दी पोस्ट कर, अभी कभी पोस्ट कर। और फिर हम अच्छे दोस्त बन गए। नहीं करेगी तो स्माइल पक्का? नहीं। हम दोनों साथ में एक वीडियो बनाते, बिल्कुल झक्कास वाली। उसकी मैरिड लाइफ में बहुत पंगे थे, पति के साथ बहुत झगड़ा होता था, वो 6 महीने पहले अपना घर छोड़ चुकी थी, तो मैंने उसे अपने एरिया में रेंट पे घर दिलाया था। मैंने 5 दिन पहले उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके पति के बारे में कुछ बता सकती हो? नाम? हाँ सर, कमल मेहता। ये कमल रहता कहाँ बता सकती हो? सर ये तो ये देख बेटा, ये अच्छी है लड़की बेटा, ये तो बहुत ही सुंदर है। पापा बस करो, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे शादी नहीं करनी है, पर रोज रोज आप ये शुरू क्यों कर देते हो? क्योंकि मुझे तेरी फिकर है, किसी के आने जाने से लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। पापा मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप नहीं समझोगे। ये तेरे फितूर मेरी समझ में नहीं आते हैं। अरे सर, कुछ पता चला? उन्हें छुपाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार हमें पता चल ही गया। क्या पता चला? वो थाने चल, फिर बताता हूँ। चल सर। सर, सर मैं सूरज के बारे में जो कुछ भी जानता था मैं आपको बता चुका हूँ। सूरज के बारे में पता है, लेकिन मयूरी के बारे में नहीं पता है। तुम्हारी बीवी मयूरी? सर मयूरी, उसका इन सब से क्या लेना देना? अरे वही तो तुम बताने वाले हो, क्योंकि जिस दिन सूरज का मर्डर हुआ उसी दिन मयूरी का मर्डर हुआ। सर मयूरी का मर्डर? जी हाँ, हमें मयूरी की बॉडी मिली है, डिकम्पोज्ड, जली हुई। अभी तक हम ऐसा सोच रहे थे, बैठो बैठो बैठो, अभी तक हम ऐसा सोच रहे थे कि सूरज उसकी वाइफ नेहा, उसका जो बॉयफ्रेंड था दीपक, उससे लड़ने के लिए कोथरूड जाते, लेकिन बाद में हमें ऐसा पता चला कि मयूरी का लोकेशन भी वही है, मयूरी वहीं रहती है, तो शायद दीपक मयूरी से मिलने जाता, और मयूरी ही सूरज की वो गुमनाम गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, सिर्फ तुम्हें पता था, इसलिए तुमने पहले मयूरी को मार दिया, बाद में सूरज को मार दिया। सर ये आप क्या कह रहे हैं? उन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी अफेयर नहीं था। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं मयूरी को नहीं मार सकता। हमने तो सुना है तुम्हारे दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता था। सर झगड़ा मेरे और मयूरी में नहीं, मयूरी और पप्पा में होते थे। मयूरी, मयूरी क्या है ये? क्या है ये बेहूदे वीडियोस, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, ये तुम्हारे गंदे गंदे वीडियोस मुझे बेचते हैं। बंद करो, ये क्या है? अरे नया फोन है मेरा। भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाए तुम्हारी ये टिकटॉक। आप ना बहुत बदतमीजी से बात करें, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। कमल, कमल यहाँ। मयूरी क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? संभालो अपनी पत्नी को, संभालो, पूरा दिन बेहूदगी करती रहती है। कोई बेहूदगी नहीं की है मैंने, ये काम है मेरा, समझे आप? टिकटॉक स्टार हूं मैं और इससे पैसे कमाती हूँ अपने बलबूते पर, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं मुझे। कैसी औरतें ऐसे पैसे कमाती है मुझे बराबर पता है। कैरेक्टरलेस। कैरेक्टरलेस बोला आपने मुझे? हाँ। अब ना हद हो गई है, मुझे इस गवार इंसान के घर पे रहना ही नहीं है।
बाहर में जाओ, हटो। मयूरी, मयूरी मेरी बात तो सुनो, मयूरी। मयूरी, मयूरी मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात करता हूँ ना। देखो मयूरी, देखो इतना गुस्सा, मयूरी सर ऐसे झगड़े रोज होते थे, लेकिन ना पप्पा मानने को तैयार है और ना ही वो मयूरी टुकटॉक छोड़ने को तैयार थी, इसलिए उसने घर ही छोड़ दिया। टुकटॉक के लिए कोई घर छोड़ेगा? ये क्या कह रहे सर, यहाँ पे टुकटॉक पर लोग अपनी जान देने को तैयार है और टुकटॉक से ही तो मयूरी की कमाई होती थी। ठीक है जाओ, तो फिर से बुलाएंगे। या केसला सोडवण्यासाठी आपल्याला टुकटॉकचा अभ्यास करावा लागेल। सर ये मयूरी के टुकटॉक के वीडियोज हैं। टुकटॉक पे यंगस्टर अपने वीडियोस बना के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अटेंशन पाने के लिए। ये देखिए सर, बड़े बड़े ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन करवाते हैं इनसे। जितने ज़्यादा फॉलोअर्स उतने ज़्यादा पैसे। तो ये मयूरी के फॉलोअर्स कितने थे? तकरीबन 1 लाख के आसपास हैं। ये मयूरी काफ़ी फेमस थी टुकटॉक पे, लेकिन मोस्टली वीडियो इसने गीतिका के साथ ही बनाए। हाँ लेकिन ये कुछ वीडियोस हैं जो इसने एक दूसरी लड़की के साथ भी बनाए। अरे अरे दोस्त मरी है तेरी, पति नहीं जो इतना शौक मना रही है। चल मेरे लिए चाय बना जल्दी, चल अब बनाएगी चाय, नेवता भेजू। तुम भी मयूरी के साथ वीडियो बनाती थी? कैसी लड़की थी वो? सब बहुत अच्छी थी। डर रही हो? डरो मत, बिना झिझक बोलो। सब जब से मयूरी ने मेरे साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किया, गीतिका बहुत गुस्सा थी मयूरी से, वो जलती थी हम दोनों की दोस्ती से। चिरके जरा पता करो। ठीक है। और कुछ अजीब लगा तुम्हें उसके बारे में? हाँ सर, वो एक दो बार मैंने एक एजेड आदमी को देखा था, वो बहस कर रहा था उससे। कौन था? पता नहीं सर। सिर के ये था? हाँ सर यही था। हाँ सर मैं गया था उसको मनाने, ताकि मैं उसे मना सकूं और वो मेरे घर वापस आ सके। आप चले जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बेटा घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो तुम्हारा अपना घर है और कमल तुम्हारा पति है। चलो बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कैरेक्टरलेस कहा था ना मुझे, तो क्यों आए हो यहाँ पे भीख मांगने? हाँ अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से। सर मैं मानता हूँ मैंने उसके साथ सख्ती की थी। ये कमल और मयूरी का रिश्ता कैसा था? सर मेरा बेटा तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसी की वजह से मैं मयूरी को मनाने गया था। पर सर फिर मैंने ही उसे कहा कि भूल जा बेटा ये मयूरी, नो मयूरी ने भूली जा, जिंदगी में आगे बढ़ और दूसरी शादी कर ले। सर उस गन डीलर के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैंने गीतिका के वीडियोस चेक किए हैं, उसके क्लाउड में कुछ वीडियोस स्टोर हैं सर। ये देखिए सर, गन मिली है, नकली है सर। सर ये मेरे वीडियो बनाने का प्रॉप है। उल्लू समझा, वीडियो दिखाओ उसको।
ठीक है। मयूरी ने माला के साथ वीडियो बनाई, इसलिए तुम्हें गुस्सा आया, तुमने मयूरी को मार दिया। नहीं सर, हम वीडियो ही बना रहे थे। ये सब क्या है? तू मेरी पार्टनर है और मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। नहीं गीतिका, क्या मारिए यार, उठ जा। तूने अपने ही पार्टनर को गोली से मार दिया। इसको वीडियो को पोस्ट करेंगे ना, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स, और देखना कमेंट्स तो इतने देवदासों वाले आने वाले हैं, बहुत व्यूज मिलेंगे। हम ऐसे प्रैंक वाले वीडियोस बनाते रहते थे। तो फिर बाकी वीडियो जैसा ये वीडियो तुमने अपलोड क्यों नहीं किया? वीडियो बना के मैं अपने घर आ गई और फाइनल एडिट करके जब मैं अगले दिन मयूरी को वीडियो दिखाने आई तो वो गायब थी। सर मैं वीडियो अपलोड अपलोड करना सब भूल गई और सीधा पुलिस कंप्लेंट की। अच्छा, तो ये प्रैंक वीडियो बनाने की आड़ में तुमने मयूरी को सचमुच मार दी ताकि तुम पे किसी को शक न हो। ए, देखो माला ने सब कुछ हमें बता दिया है। तुम मयूरी के साथ झगड़ा करती थी ना माला से दूर रहने के लिए? नहीं सर, मैं मयूरी को क्यों मारूंगी, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सर। लेकिन सर मैं जानती हूँ मयूरी को किसने मारा। किसने? मेरे पति सुभाष ने। ये वीडियो कब बनाया तू? ए? तू दो दिन पुलिस स्टेशन के जाके आई यार, तुझको पुलिस समझने लगी? सुभाष, ये पुलिस जैसा सवाल करना बंद कर। तू वीडियो कभी निकाला? कभी बनाया वीडियो? ए, जब भी मेरा मन करता था ना उसको देखने का तब मैं जाता था। उसके घर के डुप्लीकेट चाबी भी है मेरे पास, अब क्या कर लेगी तू? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साहब मैंने मैंने मयूरी का वीडियो निकाला था साहब। पर मैंने उसको मारा नहीं साहब। ये गीतिका का जब से वो टिकटॉक का नाटक चालू है ना वीडियो का, तब से मेरा सर एकदम घूम गया था साहब। सब दिन भर वो बस वीडियो 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 ही करती थी, कुछ ना कुछ बहाना करके घर से बाहर रहती थी। मुझे तो शक होने लगा था कि उसका बाहर कुछ अफेयर वफेयर चालू है, इसलिए मैंने एक दिन उसका पीछा किया। तब मैंने पहली बार मयूरी को देखा। मैं छुपके से उसके घर में गया और देखा कि गीतिका और मयूरी सिर्फ दोस्त नहीं थे साहब, बल्कि वो दोनों क्या? तो तुम्हारी बीवी ने तुमको धोखा दिया इसलिए तूने मयूरी को मार दिया? नहीं साहब, मयूरी तो मेरी ड्रीम गर्ल बन गई थी साहब। मैं अपनी बीवी में भी उसे देखकर प्यार करता था। एक दिन रात को मुझे मयूर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं उसके घर पे गया और वो मुझे घर पे नहीं मिली साहब। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने गुस्से में ना उसके घर का सब सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया साहब। साहब अब तो बात दोस्ती से निकल के प्यार तक आ पहुंची, और अक्सर लोग ब्रेकअप सिचुएशन में क्राइम कर बैठते हैं। मयूरी का माला से लगाव तुम्हें अच्छा नहीं लगा इसलिए तुमने मयूरी को मार दिया। सर मयूरी मेरी दोस्ती कल की नहीं थी, मैं मयूरी से गुस्सा थी क्योंकि माला उसे फंसा के उसके साथ टीम बनाना चाहती थी। सर मुझे मयूरी के प्यार पे कभी शक नहीं था। सर ये देखिए, हमने तो रिंग्स भी एक्सचेंज की थी। मैं मयूरी के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती थी। फिर मैं उसका मर्डर क्यों करूंगी सर? एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, एक मिनट बोलो। सर उस गन डीलर का पता चल गया, सूरज ने ही गन खरीदी थी। सूरज? लेकिन सूरज ने मयूर को मारने के लिए गन क्यों खरीदी होगी? और सर सबसे बड़ा सवाल, सूरज को किसने मारा? एक काम करो, इस केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं सबके डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। क्या हुआ सर, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। अच्छा, तूने किसी को नहीं मारा है, ये क्या है? ये क्या है? देख तेरे बैंक का स्टेटमेंट, मयूरी का मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले तूने सूरज के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे।
सूरज को सुपारी दी थी ना तूने मयूरी को मारने की। देख हमको मयूरी के बारे में सब पता चल गया, अब तू बोल नहीं तो बहुत मार खाएगा। सिर के ये वाला तो सही बोलेगा। सब 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 बता दो। सर मैंने ही मयूरी को मरवाया था क्योंकि वो लेस्बियन थी। अच्छा इसलिए नहीं मारा तूने मयूरी को कि वो लेस्बियन थी? तूने इसलिए मारा कि तू गे है? गे बराबर है ना? सर कमल और मयूरी एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोनों दोस्त थे। उन दोनों को एक दूसरे का सच पता चल गया था इसलिए उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी कर ली थी। सर अगर मयूरी लेस्बियन थी तो कमल भी तो गे ही था। तेरे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सच सच बोल। सर वो सर हमारी शादी के बाद पप्पा और वो मयूरी में बिल्कुल नहीं बन रही। अरे वो कहानी मालूम है, आगे बोल। सर मयूरी घर छोड़कर चली गई थी। हाय मयूरी, हाउ आर यू? मैंने ये हालचाल पूछने के लिए ना फोन नहीं किया तुम। कमल अपने बाप को समझा लो, वो सठिया गए ठीक है, और अब यहाँ मेरे घर पे भी आने लग गए मेरी बेइज्जती करने के लिए। मयूरी वो बस। अरे चुप करो यार, थक गई हूँ मैं। कमल तुमने ना शादी के बाद कभी भी मेरे लिए तो स्टैंड लिया नहीं, कम से कम अपने लिए तो स्टैंड ले लो। दोबारा तुम्हारा बाप मेरे घर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और अगर वो आए ना तो देख मैंने पूरी दुनिया को बता देना कि तुम गे हो, समझे? ये क्या बोल रही हो तुम मयूरी, हमारे बीच में डील हुई थी। अरे बाहर में गई डील? सर मैं तंग आ गया था मयूरी से, इसलिए मैंने सूरज को 5 लाख की सुपारी दी थी और वो ये काम खुशी खुशी करने को तैयार था। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तू बोल क्या करना है, जैसा तू बोलेगा वैसा मैं करूंगा तेरे लिए। सर हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था ये बात छुपाने के लिए, लेकिन वो मयूरी तो फ्री होकर सर वो मुझे धमकी देने लगी, और मुझे पता था कि पापा उसके घर जरूर जाएंगे, इसलिए मैंने। इसलिए तुमने मयूरी को सबक सिखाया। सूरज तूने तो कमाल कर दिया यार, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा कमल। आई लव यू जान। आई लव यू टू सूरज, रात को मिलते हैं। सूरज को क्यों मारा? ये क्या कह रहे सर आप, मैं सूरज को क्यों मारूंगा? सर वो तो मेरा प्यार था। सर कॉल लो पीछे। सर फोन लोकेशन में एक नई बात पता चली। सूरज को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा है। सूरज को क्यों मारा? जहां हमें सूरज की बॉडी मिली वहां आपका फोन क्या कर रहा था? अपने आप पहुंच गया। देखो अंकल सच सच बता दो वरना बुढ़ापे में मार नहीं सह पाओगे। क्यों मारा? अरे क्यों मारा सूरज को? मैंने कमल से कहा मेरे कमरे का एसी खराब है और मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ सर, इस बहाने मैंने उसको अलग रूम में भेज दिया, उसके दूध में मैंने अपनी नींद की गोलियां भी डाल दी थी और फिर मैं सूरज का इंतजार करता रहा। जान आप मेरी बात सुनिए, तुमने मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। मयूरी का खून हुआ तभी मुझे मेरे बेटे का सच पता चल गया। आई लव यू टू सूरज, रात को मिलते हैं। मयूरी की वजह से मेरी इज्जत तो दांव पर लगी गई थी, ऊपर से मेरे बेटे का और सूरज का रिश्ता सामने आया। मैं क्या करता सर, जो भी कुछ किया मैंने घर की इज्जत बचाने के लिए। अंकल जी इज्जत इंसान से होती है, इंसान इज्जत से नहीं होता। अब अपनी इज्जत के साथ सड़ो जेल में। एक समलैंगिक इंसान सबसे पहले एक इंसान है,
और अगर ये बात हम सब अच्छी तरह से समझ लें और सोच लें तो शायद ये अत्याचार खत्म हो जाएंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।